हाय दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर और आप सबको नमस्ते। दोस्तों, आज एक टॉपिक में बात करते हैं जो मैकेनिकल मेंटेनेंस रिलेटेड है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जो आप लोग मोटर गियर बॉक्स अलाइनमेंट करते हैं, मोटर पंप टू मोटर अलाइनमेंट करते हैं, गियर बॉक्स टू मोटर अलाइनमेंट करते हैं, कोई भी अगर अलाइनमेंट करते हैं, जो डायल गेज यूज करके अलाइनमेंट करते हैं, वो आज डायल गेज अलाइनमेंट के बारे में आज बातचीत करूंगा मैं आप लोग के साथ। दोस्तों, एक जो देख रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड में एक मार्कर का माध्यम से एक छोटा सा ड्राइंग किया हूँ। बट क्या करूँगा दोस्तों, ये छोटा सा बोर्ड है पूरा, इसके अंदर एक बना के दिखाने के लिए तो संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ आप लोग को इसी में पूरा बताने के लिए। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, अगर आप लोग का समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। मैं कोशिश किया हूँ आप लोग का समझ में आने के लिए, मैं वही हिसाब से आप लोग को बताऊंगा अभी। दोस्तों पहले याद रखिए, हम लोग जब अलाइनमेंट करते हैं डायल गेज पंप टू मोटर अलाइनमेंट करते हैं, डायल गेज में अगर कहाँ भी कुछ भी अलाइनमेंट करते हैं दोस्तों, पहले हम इधर कोई एक्सियल के लिए दो डायल गेज लगाता है, कोई रेडियल के लिए दो लगाता है, बहुत टाइप का अलाइनमेंट है। मैं इधर जो किया हूँ दो डायल गेज यूज करके अलाइनमेंट किया हूँ। दोस्तों दो डायल गेज में अलाइनमेंट होगा, एक है एक्सियल के लिए, एक है रेडियल के लिए। दोस्तों जो दो डायल गेज यूज होगा, एक रेडियल के लिए, ये जो देख रहे हैं रेडियल के लिए, ये है एक्सियल, ये एक्सियल डायल, ये है रेडियल डायल दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं, ये है कपलिंग। समझ में आया दोस्तों? ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है कपलिंग, ये वाला जो देख रहे हैं ये है कपलिंग, और ये है दोस्तों क्या, कपलिंग का टॉप, और ये जो देख रहे हैं कपलिंग का फेस, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है कपलिंग का फेस। समझ रहे हैं दोस्तों? ये हो गया कपलिंग, कपलिंग का ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। ये चारों पोजीशन आप लोग पहले ले लेना है, डायलिंग करने से पहले डायल गेज आप लोग को देखना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर दिखना नहीं आता है मैं आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा, जो अभी ये वीडियो में बताना वो संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? ओ लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोग को दिखाने के लिए। इधर से ध्यान से देखिए, डायल गेज का एक वीडियो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं। इधर मैं प्लंजर देखिए, जब अप एंड डाउन होता है, प्लंजर जब अप एंड डाउन होगा वो प्लस में जाएगा। जब ये क्या होता है डायल गेज में दोस्तों, ये ऐसा रहता है डायल गेज में, डायल गेज में ये वाला एक रहता है, जब प्लंजर को आप लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट को पकड़ के जब प्रेस करेंगे डायल गेज को, वो क्या होगा प्लस में जाएगा। जब ये वाला को प्रेस करेंगे वो प्लस में जाएगा, जब हाथ निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसा प्लंजर नीचे तरफ आएगा, देखिए दोस्तों, जब ये प्लंजर और ये हो गया कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट को जब ऊपर तरफ लेंगे तो प्लस में जाएगा, और दोस्तों ये जब नीचे तरफ आएगा वो माइनस होगा। दोस्तों इसको पहले आप लोग देख लीजिए, डायल गेज को प्रेस करके प्लस कौन सा जा रहा है, माइनस कौन सा जा रहा है, आप लोग का समझ में आएगा। दोस्तों उसका बाद आ जाते हैं, ये जो दो डायल गेज यूज करके अलाइनमेंट करते हैं, एक है एक्सियल, एक है रेडियल। एक्सियल क्या बताता है, पहले अलाइनमेंट तो करेंगे दोस्तों, सही बात है, मगर एक्सियल पहले आप लोग मतलब डायल गेज कौन सा वाला डायल गेज का क्या काम है आप लोग तो जानना जरूरी है। दोस्तों एक्सियल डायल गेज बताता है कपलिंग का फेस, मतलब कपलिंग का फेस क्या है, एक लेबल में है कि नहीं है, मतलब कपलिंग का फेस टेपर नहीं है, या मोटर जो बैठा है सीधा लेबल में बैठा है कि नहीं, कपलिंग का फेस को बताता है। ये जो कपलिंग है वो फेस उसका सही में बैठा है या नहीं, हम लोग डायल गेज बांधा है कि डायल गेज का फ्रेम कहाँ है मोटर में। जब ये वाला जो रहेगा, जब मोटर का शाफ्ट को आप लोग घुमाएंगे तो वो बताएगा आप लोग का ये वाला और ये वाला गैप सही है कि नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? दोनों कपलिंग का फेस,
दोनों कपलिंग का फेस सही है या नहीं है वो एक्सियल डायल बताएगा, ये वाला डायल, ये जो एक्सियल डायल बताएगा कपलिंग का फेस सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग ठीक करना है दोस्तों। और रेडियल डायल गेज क्या बताता है? रेडियल डायल यही बताता है जो आप लोग का जो मोटर का सेंट्रल लाइन और पंप का जो सेंट्रल लाइन वो पैरालल में है या नहीं, लेवल ओपन में है, डाउन में है, क्या है वो बताएगा ये रेडियल डायल। रेडियल डायल बताएगा दोनों शाफ्ट का सेंट्रल लाइन ओपन डाउन में कितना है, ऑफसेट कितना है वो बताएगा। अभी आप लोग का समझ में आया दोस्तों एक्सियल डायल गेज का काम क्या है, रेडियल डायल गेज का काम क्या है, मैं बताया, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग का याद नहीं रह रहा है तो वीडियो थोड़ा पीछे करके आप लोग फिर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों अभी आ जाते हैं हम लोग थ्योरी। और दोस्तों अलाइनमेंट करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीम कहाँ देंगे, सीम कहाँ देने से मोटर आपका कहाँ जाएगा, कपलिंग का फेस कहाँ जाएगा, और कपलिंग सीम कहाँ ना देने से, मान लीजिए ये मोटर का बेस है, मोटर का ये बेस बोल्ट है और ये भी बेस बोल्ट है, मान लीजिए ये वाला कपलिंग, ये जो मोटर का कपलिंग फेस है दोस्तों देख रहे हैं ये फेस है, ये जो बांधा है मैं फ्रेम, ये जो डायल फ्रेम बांधा है मोटर का ये में, और ये डायल गेज जब एक्सियल रुका मोटर का ये में, मोटर का कपलिंग जब इस तरफ जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों, मोटर का कपलिंग ऐसा है, जब मोटर का कपलिंग ऐसा जाएगा तो ये डायल गेज का प्लंजर क्या होगा, अंदर तरफ होगा, जब प्लंजर अंदर तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा दोस्तों, इसीलिए इधर सिम प्लस करने से क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो अंदर तरफ जाएगा, और सीम माइनस करने से क्या होगा, ये वाला क्या होगा, पीछे तरफ जाएगा दोस्तों। ये पहला है बहुत इंपॉर्टेंट, एक नॉर्मल सवाल है, आप सीम कहाँ देने से कपलिंग का फेस कहाँ जाएगा और सीम निकालने से क्या होगा, वो पहले आप लोग इतना याद रखने का बाद उसका बाद आ जाइए आप लोग अलाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों अलाइनमेंट जब करेंगे, अलाइनमेंट में कुछ फॉर्मूला होता है, जब एक्सियल डायल क्या होता है दोस्तों, इधर बताता हूं, ये कपलिंग है जो मैं बनाया वो एक कपलिंग का ओडी है, मतलब कपलिंग का आउटर डाया है, कपलिंग का आउटर डाया मान लीजिए मेरा 200 mm है, और ये जो एक्सियल डायल का कांटेक्ट पॉइंट मान लीजिए मेरा इधर लगा, एक्सियल डायल का कांटेक्ट पॉइंट जो एरिया में रोटेशन होता है, एक्सियल डायल जो एरिया में रोटेशन होता है उसी का डाया कितना है, मतलब ये वाला जो देखा तीर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना है, ये जो एरिया में घूम रहा है उसी का डाया कितना है, समझ रहे दोस्तों। एक्सियल डायल जो एरिया में रोटेशन होता है, जो कपलिंग का फेस में रोटेशन होता है उसी का डाया कितना है, आप लोग लिख लेना है, ए इज इक्वल टू 150 mm, ए इज इक्वल टू 150 mm, बी इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 200, बी क्या हो गया, रेडियल डायल का कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे है दोस्तों। इधर मैं फिर बना देता हूँ आप लोग समझने के लिए, आप लोग ध्यान से समझिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोटर अलाइनमेंट जहाँ करने के लिए जाएंगे। ये हो गया हम लोग का क्या, कपलिंग का थिकनेस, कपलिंग का फ्लांज का थिकनेस, और ये वाला हो गया रेडियल डायल, ये वाला जो है रेडियल डायल, ये रेडियल डायल कहाँ लगा, ये वाला में, और ये वाला सेंटर लाइन, देखिए ये वाला सेंटर लाइन से बोल्ट का सेंटर लाइन, ये जो है ये सेंट्रल लाइन से रेडियल डायल का कॉन्टैक्ट पॉइंट का सेंट्रल लाइन से एक मार्किंग लीजिए, मोटर का बेस जहां डायल गेज का फ्रेम बांधा है जिसमें, उसी का बोल्ट का सेंट्रल लाइन लिखिए 200, मेजरमेंट टेप लीजिए, बढ़िया से मेजर करिए, ठीक से इसको लिखिए, और रेडियल का कितना आउट है, रेडियल रेडियल मेरा कितना है, डायल गेज का रीडिंग कैसे लेंगे दोस्तों, देखिए ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड,
पहले आप लोग कपलिंग का जो कपलिंग को चार भाग कर देना है, चार भाग में टॉप बॉटम राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसा चारों दे दीजिए और पॉइंट दे दीजिए। देने के बाद ये जो रीडिंग, पहले आप लोग इधर से 0.00 सेटिंग करिए डायल गेज, और प्रेशर कांटा को 5 mm बार में उसी को सेटिंग कर दीजिए। क्यों? प्लस माइनस होने से आप लोगों को पता चलेगा। अगर प्रेशर दबा के प्लंजर को दबा के नहीं रखेंगे दोस्तों, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? उसी के लिए 0 ये कर दीजिए। ये कितना है दोस्तों? रेडियल 0.6, 0.6 है तो क्या करना पड़ेगा? ये होगा 0.3 और ये होगा 0.3, तो अब ये वाला बॉटम आ गया 0.6। समझ रहे हैं दोस्तों? ये है रीडिंग। आप लोग डायल गेज का रीडिंग पहले ले लीजिए। रीडिंग लेने के बाद फॉर्मूला में आ जाइए। ये फ्रंट फुट के लिए, ये जो फ्रंट होल के लिए ये थ्योरी है। एफ एक्सेल, एक्सेल का आउट कितना है? एक्सेल कितना है? 0.3। एक्सेल 0.3 हो गया डिवाइडेड बाय कपलिंग का डाया। ये जो कपलिंग एक्सेल का डाया, ये जो हम लोग का एक्सेल डायल जो घूम रहा है जो एरिया में, वो उसी का डाया कितना है? डायल लिखने के बाद ए इज इक्वल टू 150। ए इज इक्वल टू ये है 150। 150 लिखने के बाद बी इज इक्वल टू ये सेंटर से ये सेंटर कितना? बी इज इक्वल टू 150। टोटल पका के जितना होगा कैलकुलेशन कर दीजिए दोस्तों। कैलकुलेशन होने के बाद 0.7, 0.7। अगर दोस्तों आंसर आपका प्लस में आया तो क्या करना है? मैं इधर बताया था दोस्तों, अगर आंसर प्लस आ रहा है तो रिमूव सिम, सिम माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये बोला फ्रंट से, समझ रहे हैं दोस्तों? फ्रंट अगर प्लस आ रहा है तो सिम इधर से निकालना पड़ेगा, तब तो ये बोला क्या होगा? डाउन होगा। अगर ये बोला आप लोग का आंसर अगर माइनस में आया तो क्या करना पड़ेगा? इतना का सिम आप लोग को इसमें प्लस करना पड़ेगा। पहले ध्यान दीजिए, प्लस प्लस होगा तो सिम निकालना पड़ेगा, अगर माइनस होगा तो सिम डालना पड़ेगा। दोस्तों ये सेम, ये जैसा ये फ्रंट होल के लिए है, ये होल के लिए है, और बैक होल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इधर आप बी प्लस सी कर दीजिए। समझ रहे हैं? ये वाला बी है, अगर पीछे में सिम अगर देना है तो बी प्लस सी कर दीजिए। जितना कैलकुलेशन होने के बाद जब ये जगह में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सी का कितना मिल जाएगा इसमें? 600। ये कितना हो जाएगा? R/2। R कितना है? रेडियल कितना है? प्लस रेडियल दोस्तों देखिए, रेडियल 0.6, 0.6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 200। ये हो जाएगा टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा? 800। ये कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग का आंसर इसमें जितना आएगा, ये 800 ये गुना कर दीजिए, जितना होगा आंसर आप लोग का ये गुना करने के बाद 800 ये जितना होगा उसमें कर दीजिए, जितना आएगा आंसर इसी को प्लस होगा तो सिम निकालना है, तो माइनस होगा तो सिम डालना है। दोस्तों आप लोग का समझ में आया तो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ डायल गेज का रीडिंग के बारे में, आप लोग इसी को याद रखिए। मैं एक और एक बढ़िया चीज बताता हूँ दोस्तों, और एक चीज है, आप लोग अलाइनमेंट जब करेंगे, अलाइनमेंट करने से पहले आप लोग याद रखिए तीन चार बात जरूर याद रखिए। पहले जो मोटर जब अलाइनमेंट करेंगे, मोटर जो बेस में आप लोग बैठाएंगे या गियर बॉक्स बैठाएंगे, जहाँ कुछ अलाइनमेंट करेंगे, डायल गेज में अगर अलाइनमेंट कर रहे हैं, अलाइनमेंट करने से पहले मोटर का बेस बढ़िया से क्लीन करिए, नीट एंड क्लीन करिए, और ऐसे कि वेल्डिंग का बबरी कचरा डस्ट मिट्टी ऐसा कुछ गिरना ना चाहिए। नीट एंड क्लीन करिए, एमिट पेपर मारिए और हाथ में ऐसा देखिए बेस को, बेस प्रॉपर क्लीन है या नहीं। उसके बाद मोटर का नीचे उसी को भी बढ़िया, क्योंकि मोटर का नीचे में बहुत सारा कचरा भी लग जाता है कहाँ छोटा मोटा, क्योंकि हम लोग को 001 में आप लोग अलाइनमेंट करके देना है, इसलिए 02 में आप लोग रीडिंग देना है, तो हर चीज़ देखना पड़ेगा दोस्तों।
मैं वही बोलना का चाहता हूँ, आप लोग बेस नीट एंड क्लीन करिए। और एक चीज़ है, आप जो मोटर बैठा रहे हैं ये दोस्तों, मोटर जहाँ बैठा रहे हैं, मोटर में एक बताने के लिए, मोटर में चार होल होगा, ये मोटर हो गया दोस्तों, मोटर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, कुछ भी हो गया आपका हिसाब से। जब अलाइनमेंट करेंगे, जब मोटर अलाइनमेंट करने के लिए जा रहे हैं, पहले आप लोग बेस को नीट एंड तो क्लीन करेंगे, मोटर को तो नीट एंड क्लीन करेंगे। उसका बाद मोटर का बेस में जैक बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक बोल्ट नहीं रहेगा दोस्तों क्या होगा, आप लोग को बड़ा बड़ा होगा तो हैमरिंग करके तो नहीं कर पाएंगे, अलाइनमेंट सही नहीं होगा। इसलिए जैक बोल्ट, हर बोल्ट में जैक बोल्ट मारिए। दोस्तों हर मोटर का जो अलाइनमेंट करेंगे, हर एक बोल्ट के लिए दो जैक बोल्ट जरूरी है। ये हो गया साइट, ये हो गया साइट, ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट, समझ रहे हैं दोस्तों? साइट, मान लीजिए ये वाला कपलिंग को इधर उधर देना है तो क्या होगा, ये वाला जैक बोल्ट है, इसको टाइट करने से कपलिंग इधर उधर होगा। अगर मोटर को पीछे देना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रंट का जैक बोल्ट जो है उसको टाइट करना पड़ेगा। मान लीजिए कपलिंग को आगे देना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला जैक बोल्ट है इसको टाइट करना पड़ेगा। इसीलिए मोटर का बेस जब अलाइनमेंट करेंगे, पहले आप लोग जैक बोल्ट जरूर मारिए। जैक बोल्ट मारने के बाद और एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, जैक बोल्ट का तो आप लोग का समझ में आया, अभी जो मोटर जो बेस में बैठाएंगे, समझ रहे दोस्तों, मोटर जो बेस में आप लोग बैठाएंगे, मोटर का बेस में वो मोटर सही से बैठा या नहीं बैठा उसको भी पहले ध्यान दीजिए। क्यों, मोटर अगर उसका बेस में सही से बैठेगा नहीं तो आप लोगों को अलाइनमेंट में बहुत सारा दिक्कत होगा। क्यों, मोटर का शॉर्ट फुट जरूर चेक करिए। मोटर का शॉर्ट फुट क्या होता है, एक एक्सप्लेन दे रहा हूँ आप लोग को, एक बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब आप लोग कुर्सी में जब बैठते हैं, तीन पैर लगता है, एक पैर नहीं लगता है, तो आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कुछ भी एक पैकिंग दे देते हैं, ईटा हो गया, पत्थर हो गया, कुछ भी एक पैकिंग दे देते हैं चेयर को बैलेंसिंग करने के लिए, बराबर बैठने के लिए। आप लोग को कुर्सी में बैठेगा तो आप लोग को कंफर्टेबल फील होगा। इसलिए जब मोटर आप लोग अलाइनमेंट करेंगे, मोटर जो बेस में बैठाएंगे, वो बेस में वो मोटर सही से बैठा कि नहीं बैठा आप लोग पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद अलाइनमेंट करिए। अलाइनमेंट का थ्योरी आप लोग को तो पता हो गया, इसी में 90% काम आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग थ्योरी अप्लाई कर लीजिए। थ्योरी और एक चीज़ है दोस्तों, ये कपलिंग हो गया, कपलिंग को पहले चार भाग करिए। कपलिंग कपलिंग को चार भाग करने के बाद एक टॉप दे दीजिए, एक बॉटम दे दीजिए, एक राइट साइड दे दीजिए, एक लेफ्ट साइड दे दीजिए। कपलिंग को जब चार भाग हो जाएगा, चार भाग होने के बाद डायल गेज इधर 5 बार में सेटिंग करिए। डायल गेज का अंदर एक छोटा ब्लॉक रहता है, जो डायल गेज का एक पॉइंट जब इधर से लेके पूरा उधर तक एक राउंड, डायल गेज का बड़ा वाला कंटा क्या होगा, जब एक राउंड पूरा घूम जाएगा तो 1 mm होगा। मेरे को डायल गेज का छोटा वाला प्रेशर कंटा 5 बार में आप लोग सेटिंग करिए। 5 बार में जब सेटिंग होगा तब तो आप लोग, जब सोचिए डायल गेज का प्लंजर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट को आप लोग जब प्रेस करेंगे वो 5 mm में सेटिंग होगा, तब तो आप लोग को पता चलेगा, तब तो डायल गेज आप लोग का माइनस में जा रहा है क्या प्लस में जा रहा है तो पता चलेगा। इसीलिए 5 में आप लोग सेटिंग करिए। सेटिंग करने के बाद इधर लेके 0.00 में आप लोग डायल गेज का जो ऊपर वाला कैप होता है उसी को घुमा के 0 में सेटिंग कर दीजिए। 0 में सेटिंग करके 1360 में घुमाइए, जितना जितना हो रहा है आप लोग लिखिए। मान लीजिए ये वाला हो गया 0.00,
20 प्लस, और ये वाला बॉटम आ गया आप लोग का, और ये वाला पहले साइड, ये वाला हो गया पॉइंट, और ये वाला हो गया 0.20 प्लस। दोस्तों ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.2, ये कितना आ जाएगा, ये 0.2 हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का 0.40। मतलब इतना आप लोग का आउट है, उसी के लिए आप लोग सेम देना है, सेम जितना होगा रेडियल, ये हो गया रेडियल, रेडियल हो गया 0.4, उसी हिसाब से एक्सियल जितना होगा आप लोग मान लीजिए 0.3, वही हिसाब से आप लोग थ्योरी अप्लाई कर लीजिए। इतना ही ध्यान दीजिए, आप लोग का काम 100% हो जाएगा। दोस्तों आज क्यों मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, तो अभी फिर नाइट शिफ्ट जाना है। दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के ऊपर। जय जगन्नाथ दोस्तों, रहता हूँ।